रिटेलर के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द कस्टमर द टारगेट इज टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप द टारगेट इज टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप द टारगेट इज टू इंक्रीज दैट रिलेशनशिप द टारगेट इज टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप तो रिटेलर रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप विद द कस्टमर तो जब हम बात करते हैं ओवरऑल तो रिटेलर का टारगेट ये है कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्रिएट करे विद दी कस्टमर तो अगर वो ये लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करने में कामयाब हो जाता है इट इज़ ए इट इज़ इट विल बी रिज़ल्टिंग इन टू द टर्न ओवर इट विल बी रिजल्टिंग इन टू द प्रॉफिटेबिलिटी इट विल रिजल्टिंग इन टू दैटर्नेज ओवरऑल इन दी माइंड ऑफ द कस्टमर तो रिलेशनशिप रिटेलिंग के अंदर रिटेलर uh, जो है वो ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप को नहीं देख रहा होता वो ये नहीं देख रहा होता कि ट्रांजेक्शन क्या हो रही है द रिटेलर इज़ एक्चुअली फोकसिंग कि इस ट्रांजेक्शन के पीछे कौन है हु इज़ इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजेक्शन वो कौन सा कस्टमर है उसकी क्या हैबिट्स हैं उसका क्या बाइंग पैटर्न है वो कब बाय करता है वो कौन सी प्रोडक्ट बाय करता है वो कौन सी प्रोडक्ट बाय नहीं करता तो अगेन uh, आपको रिलेशनशिप रिटेलिंग के अंदर एक स्टेप फॉरवर्ड uh, जाना पड़ता है वेर नीड टू सी कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या चीजें तो हैं लेकिन इस ट्रांजेक्शन के पीछे कौन कस्टमर इन्वॉल्व है हु इज बिहाइंड दिस ट्रांजेक्शन आप दैट विल एक्जैक्टली ट्रांसलेट द रिलेशनशिप रिटेलिंग तो रिलेशनशिप रिटेलिंग के अंदर रिटेलर uh, फोकस करता है टोटल रिटेल एक्सपीरियंस के ऊपर जिसको हम टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कैसे आप टोटल रिटेल एक्सपीरियंस को या टोटल कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंस कर सकें सेटिस्फैक्शन uh, को मॉनिटर कर सकें आप कस्टमर के साथ इन टच रह सकें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज़ द की दैट इज एक्चुअली द बैकबोन फॉर द बिजनेस क्योंकि रिटेलर के लिए जो बिजनेस लेके आ रहा है दैट इज कस्टमर रिटेलर के लिए जो बिजनेस है दैट इज विद कस्टमर और रिटेलर के लिए जो प्रॉफिटबिलिटी जनरेट करेगा दैट विल भी कस्टमर तो जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है कस्टमर सेंट्रिसिटी है तो दे वो एक्चुअली इंकरेज करती है आपका रिलेशनशिप विद योर कस्टमर और जितना ज़्यादा ये रिलेशनशिप ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा रिटेलर का बिजनेस रिटेलर का प्रॉफिटबिलिटी रिटेलर के ऑब्जेक्टिव उतना ही क्विकली मेट होंगे और रिटेलर एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकेगा अपने बिजनेस के लिए इफेक्टिव रिलेशनशिप रिटेलिंग क्या है जब हम इफेक्टिवनेस uh, की बात करेंगे तो दो परस्पेक्टिव हमारे सामने आएंगे सबसे पहले विन विन अप्रोच विद अ कस्टमर जब हम बात करते हैं विन विन अप्रोच की तो कस्टमर भी मुतमाइन हो सैटिस्फाइड हो ग्रेटिफाइड हो और दूसरी तरफ रिटेलर के ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी इमेज ये सारी बातें पूरी हों तो विन विन अप्रोच ये है कि ऐसा ना हो कि रिटेलर के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए और कस्टमर का ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो कस्टमर का ऑब्जेक्टिव ये है कि ही शुड बी फीलिंग वैल्यूड कस्टमर उसको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा हो और उसकी सेटिस्फैक्शन हो तो ऐसा ना हो कि सिर्फ कस्टमर सेटिसफाई हो रहा हो और रिटेलर के ऑब्जेक्टिव पूरे ना हो रहे हो सो विन विन अप्रोच जब आएगी जब फॉलो होगी तो रिलेशनशिप रिटेलिंग के अंदर इफेक्टिवनेस आएगी और दूसरी चीज़ है कि कस्टमर का डेटाबेस की डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप किसी भी बेकरी से आप किसी भी आउटलेट से जब कोई बिल भी मिलता है उस पर कस्टमर की डिटेल नहीं होती है इट इज़ अबाउट ए कस्टमर और बी कस्टमर और सी कस्टमर सो अगर वो कस्टमर कल को उस आउटलेट से बाय करना छोड़ देता है तो उस आउटलेट को ये तो पता है कि मेरी सेल्स कम हो गई हैं लेकिन कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसने बाय करना छोड़ दिया है आपको नहीं पता तो रिटेल के अंदर अगर सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है रिलेशनशिप की इफेक्टिवनेस लेकर आनी है तो जो की चीज़ है वो ये है कि आपको कस्टमर डेटाबेस क्रिएट करना है और तमाम बड़े रिटेलर की सक्सेस स्टोरी यही है कि वो डेटाबेस क्रिएट करते हैं एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट वो उस कस्टमर के साथ लॉयल्टी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कस्टमर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि एक सेटिसफाइड एक ग्रेटिफाइड कस्टमर जो है वो क्रिएट कर सकें और एक इफेक्टिव रिलेशनशिप इफेक्टिव बॉन्डिंग कस्टमर के साथ क्रिएट कर सकें और अगर ऐसा होगा आप कस्टमर के बिहेवियर को मॉनिटर कर पाएंगे कस्टमर की uh, की बाइंग पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाएंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ऑफर कर पाएंगे कस्टमर क्यों आ रहा है ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कस्टमर क्यों छोड़ के जा रहा है ये फाइंड आउट कर पाएंगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव से अलाइन हैं एज ए रिटेलर और ऑफ कोर्स अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे अगर आप इफेक्टिव रिलेशनशिप रिटेलिंग के ऊपर फोकस करेंगे